अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 4 ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 16, राइट डाउन क्लास वर्क एंड डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज। लेसन 4 है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी जगह पे जहाँ हम नाउन की जगह पे कोई वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे है अली अच्छा बच्चा है, अली इज़ अ गुड बॉय, अली वर्क्स हार्ड। तो हर जगह पे हमें अली अली नहीं हम यूज़ कर सकते, तो हम जो अली की जगह पे जो वर्ड यूज़ करेंगे ही हिम, तो दी आल आल कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी बुक के ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे प्रोनाउंस की। ठीक है, द वर्ड वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है, ये डेफिनेशन है, द वर्ड वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। ये अपनी बुक के ऊपर ही आप डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल है ही, शी, इट, दे, ये चारों जो है हमारे कॉमन प्रोनाउन्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 पर्सन ऑफ प्रोनाउन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा होता है आई एंड वी, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमारा होता है सामने वाला बंदा यानी यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जो उस जगह पे मौजूद नहीं होते, जैसे ही, शी, इट, दे, ये हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स होते हैं। चलिए से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, रीड दी सेंटेंसेस। ब्रैड इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग, शीना इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग। तो इसमें ब्रैड और शीना नाउन्स हैं, ही और शी हमारे प्रोनाउन्स हैं। द रूम इज मैसी, इट इज मैसी। तो इसमें रूम हमारा नाउन है और इट जो है वो मैसी है। ठीक है, द वर्ड ही, शी एंड इट आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन्स दैट आर ब्रैड, शीना एंड द रूम। दे आर कॉल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन्स। ठीक है, ये प्रोनाउन्स के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। सम ऑफ द अदर प्रोनाउन्स आर द फॉलोइंग। ठीक है, आई, मी, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ही, हिम, हिम सेल्फ, शी, हर, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, वी, अस, देम सेल्फ, दे, देम, देम सेल्फ। तो ये सारे जो हमारे क्या हैं, प्रोनाउन्स हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इन। अब हमने क्या करना है, कॉपी द सेंटेंसेज, रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन विद अ सूटेबल प्रोनाउन। ठीक है, अब हमने क्या करना, जो अंडरलाइन नाउन्स हैं हमारे, हमने उनको सूटेबल प्रोनाउन्स के साथ जो है वो फिल करना है। द मग फेल डाउन, फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड द मग ब्रोक। तो द मग को काट के, मग के लिहाज से हम यहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, अपने नाउन को देख के हमने प्रोनाउन यूज़ करना है। मग है तो इट आएगा। गीना ड्रेस्ड अप क्विकली बिकॉज गीना वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी। तो गीना को हमने करना है, तो क्या है, गीना इज़ अ गर्ल, तो शी, गीना के साथ हमारा क्या आएगा, शी। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट शी वॉन्टेड टू मीट द चिल्ड्रन इन द हाफ ऑफ द रिहर्सल्स। तो टीचर है, टीचर टोल्ड द चिल्ड्रंस, टीचर ने चिल्ड्रंस को अब बताया है दैट शी वॉन्टेड टू मीट चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन को अब हम काट के करेंगे, ज़्यादा बच्चे हैं तो देम करेंगे। द मैन वॉज अरेस्टेड बिकॉज द मैन वॉज कॉट स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम द शॉप। मैन है तो मैन को काट के हम इस नाउन की जगह पे ही करेंगे एज अ प्रोनाउन। ठीक है, अब जो हमारे पास कुछ नाउन्स होते हैं, जब उनको वर्ड में सेंटेंस में करते हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं, आई माई सेल्फ में चेंज हो जाता है, ही हिम सेल्फ में चेंज होता है, शी हर सेल्फ में चेंज हो जाता है, और यू योर सेल्फ में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, ये आप अपनी बुक के ऊपर ज़रूर लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। कॉपी द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, अब हमने करेक्ट प्रोनाउन इसमें चूज़ करना है, हमारी चॉइस गिवन है, तो हमने उसमें अपने नाउन को देख के हमने प्रोनाउन यूज़ करना है। रॉय वांटेड टू डू द कुकिंग इट सेल्फ या हिम सेल्फ। तो रॉय है तो रॉय के साथ हिम सेल्फ आएगा। आई हर्ड डैश, आई हर्ड माई सेल्फ या हिम सेल्फ। वैन आई फेल फ्रॉम द स्टेट्स, अब मैं गिरा हूँ स्टेट से तो आई हर्ड माई सेल्फ होगा। This sum is easy. You can do it themselves या yourself. You है ना, इसमें you can do it yourself होगा। ठीक है, they wanted to do the project by dash themselves or yourself. तो हमारा noun इसमें they है, तो they किस में चेंज होगा, themselves में। She cleaned the whole house by himself या herself. तो she है, she किस में चेंज होगा, हमारा herself में।
Change the nouns given in the brackets with a suitable pronoun and copy the sentences in your notebook. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास कुछ नाउन्स हैं, उनको हमने कट करके उन पर सूटेबल प्रोनाउन्स लगाने हैं. अलीशा एंड नेटी आर वेरी क्वाइट. ठीक है, अब दो बंदे आ गए हैं तो दो के लिए हम मोर देन सिंगल पर्सन प्रोनाउन ही शी इट है, और जो हमारा प्लूरल पर्सन होते हैं वो दे देम में आ जाता है. अलीशा एंड नेटी आर वॉचिंग अ कार्टून फिल्म. तो अलीशा एंड नेटी को काट के हम क्या लगाएंगे, दे. हैरिस गेव अ काइट टू हिज फ्रेंड. द काइट वॉज ग्रीन इन द कलर. तो द काइट है ये ब्रैकेट में, इसको हम कट करके करेंगे द काइट इट, इट में चेंज होगा. दिस इज मम्मीज वॉच, डैडी गेव इट एज अ प्रेजेंट टू हर. ठीक है, मम्मी को काट के हम हर करेंगे. गस एंड रॉजर विल गो टू द मार्केट. गस एंड रॉजर वॉन्टेड टू बाय सम रिटर्न्स गिफ्ट फॉर द बर्थडे पार्टी. तो दो पर दो हमारे पास प्लूरल नाउन आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको काट के दे करेंगे. प्लीज़ गिव द चिल्ड्रन सम मनी. द चिल्ड्रन वॉन्ट टू बाई सम स्नैक्स. तो चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो दे आएगा. माइकल एंड जॉश गो आउट एवरी इवनिंग. माइकल एंड जॉश प्ले फुटबॉल. तो माइकल एंड जॉश को कट करके हम करेंगे दे. हारिस नीड्स टू बी टेकन इन द हॉस्पिटल. अब हारिस सिंगल है, सिंगल पर्सन प्रोनाउन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हारिस हैज कट हिज फिंगर, ही हैज कट हिज फिंगर. ठीक है, अब हमारे पास होमवर्क है इसके लिए, पार्ट सी. यूज़ द फॉलोइंग प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. तो आपने हिम, हर, इट, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, अस, ये सारे वर्ड्स हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर पेज प्रिपेयर करके ये सारे जो क्वेश्चंस हैं होमवर्क में करने हैं. उसके अलावा आपने क्या करना है कि पेज नंबर जो आपका 18 है, इसमें भी आपने ये बुक के ऊपर होमवर्क करना है. ठीक है, आपने क्या करना है कि प्रोनाउंस नाउंस को कट करके उनकी जगह पे प्रोनाउंस प्लेस करने हैं. जी, थैंक यू.